लगा रहा हूँ। क्या बनानी है बेटा मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, देख लीजिए बेटा कैसे बनेगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, देख लेते हैं बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनेगी इसकी। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा कैसे बनने वाली है इसकी। कार्बन देखते हैं बेटा इसके अंदर कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, या जो भी कुछ दिखाई दे रहा है बेटा इस तरीके से बना लेते हैं हम। यहाँ पर जहां पर भी है इस तरीके से गई, ऊपर भी है एक, इधर इस तरीके से बेटा है। ठीक है बताओ बेटा इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम है क्या जो मैंने समझाया, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। नो सर। वेरी गुड बेटा, तीन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे तो मुझे तीन डबल बॉन्ड बना देने इस तरीके से, और हर एक कार्बन पर क्या बनाना है बेटा मुझे चार बॉन्ड, 1 2 3 4 ऐसे टू बने हुए 3 4 ऐसे यहाँ पर टू बने हुए 3 4 इस पे तो फोर्थ के फोर्थ बने हुए बेटा चार ऑलरेडी। इसके पास देखो 1 2 3 4 इस पे तो ऑलरेडी बने हुए हैं, इसके पास देख लेते हैं टू बने हुए 3 4 इसमें भी चार बनाने बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से, और हर एक के ऊपर क्या रखना है बेटा मुझे हाइड्रोजन लगाना है। ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए बेटा इस तरीके से। हर एक के ऊपर क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, क्या बन गई आपकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे बेटा। अब मुझे उम्मीद है बना लोगे आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से, बना लोगे ना। हाँ बेटा बताइए सर, ये कौन से क्लास के कंपाउंड है सर? बेटा ये 11th क्लास के ही है सारे के सारे, ये डबल बॉन्ड आएगा आपके 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में। पूछो बेटा पूछो सर, मतलब जैसे एल्कीन में तो सर सिंगल बॉन्ड आता है सर, एक उसमें से मॉलिक्यूल में। हाँ एल्केन में तो सिंगल आएगा बेटा, और एल्कीन में डबल आएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा सर, इसमें तो तीन है सर, तीन जगह। हाँ बेटा एक डबल बॉन्ड है ना, दो है, दो से ज्यादा भी वाला एल्कीन ही होते हैं सर। तो सुनो बेटा, हाँ 11th में ही होंगे बेटा सब। आपने आप IUPSC पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है? IUPSC नोमेनक्लेचर, हाँ नोमेनक्लेचर, उस नोमेनक्लेचर 11th में ही आ जाएंगे बेटा। उसमें दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? और जिसमें भी डबल बॉन्ड दिखाई देगा वो एल्कीन होगा आपका, ये एल्कीन है। समझ रहे हो या नहीं समझे भी हो? यस सर। हाँ सर, 10th में सर, सर एल्केन में नहीं होने का सर, डबल बॉन्ड एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा बेटा है। ओके सर। जैसे हाँ 10th में बेटा, 10th में आपका एक ही बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है बस, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो वहाँ IUPSC में एक से ज्यादा भी दिख जाएंगे आपको डबल बॉन्ड, देखना IUPSC 10th उठा के देखना किसी की, उसमें दिखाई दे रहा होगा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे आपके। चलो बेटा इधर देखो बस इस बात पे, मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। इसके अंदर कार्बन बताइए कितने हैं जल्दी से, काउंट कीजिए बेटा इसमें कार्बन, कितने कार्बन है इसमें? देखो मैं काउंट कर, सेवन। वेरी गुड बेटा, 1 1 2 3 हाँ बेटा बताइए, ठीक है बेटा सिक्स है सर। ओके बेटा सिक्स है, छह के छह में यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है बेटा ठीक है। 1 2 3 4 5th और एक ये 6 इस तरीके से बेटा है, और जहां जहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे बेटा मैं वहां वहां पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। देखो एक डबल बॉन्ड ये रहा आपका, एक डबल बॉन्ड ये रहा, और एक डबल बॉन्ड ये रहा। एक बात सुनिए बेटा, आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है, जब इनके डबल बॉन्ड इनकी स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी देख के डर जाओ, हमें डरना नहीं है इन स्ट्रक्चर से, वो कुछ भी नहीं, स्ट्रक्चर हमें मतलब ही नहीं है उससे, चाहे वो छोटी दे चाहे वो बड़ी दे, चाहे वो एक डबल बॉन्ड वाली दे चाहे वो 10 डबल बॉन्ड वाली दे, हमें इससे डरना नहीं है। हमें तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को हमारे पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आना चाहिए बनाना, और एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन आनी चाहिए बनानी, बस चाहे वो छोटी स्ट्रक्चर हो चाहे बड़ी हो। समझ लेना बेटा वो हमारी बात आप। हाँ हमें स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, डरना नहीं है हमें कि इतनी बड़ी फॉर्म है याद कैसे करेंगे इसको, आप इसको रटने बंद बैठ जाना इस लाइन को या इस लाइन को क्या है, आपसे कन्वर्जन आना चाहिए बस बॉन्ड लाइन का एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड का बॉन्ड लाइन में, और कुछ नहीं ध्यान रखना। कि भी आप इसको याद करने बैठ जाओ कि स्ट्रक्चर को याद करो दी है, या इस स्ट्रक्चर को याद करो या इसको याद करो, याद नहीं करनी है एक भी में। समझ रहे ना बेटा हमारी बात, आपको एक भी स्ट्रक्चर yes, याद नहीं करनी है आयन में, तो टेंशन मत लेना कि एक डबल बॉन्ड होगा या 10 डबल बॉन्ड होगा, वो कितने की दे दे। ओके सर। हाँ अब देखो बेटा यहाँ पर चार बॉन्ड बनाने हमें इसके, ठीक
कितने बॉन्ड बनाने बेटा, फोर्थ, वन टू थ्री ए के बन गया बेटा फोर्थ, वन टू थ्री ए के बन गया 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 फोर्थ, चार चार बन गया बेटा। और सभी के ऊपर क्या लगाना लगाना है आपको, हाइड्रोजन लगाना है बेटा, सभी के ऊपर आपको हाइड्रोजन लगाना है इस तरीके से, बना लेंगे ना बेटा सभी इस तरीके से, अगर स्ट्रक्चर दो आपको ये नहीं बन पाएगी सर, बन जाएगी सर। हाँ मैं दे रहा हूँ जरा, हाँ दो तीन मिनट के बाद बेटा, हाँ बेटा मैं जो है ना 50 पे भी 4 मिनट है क्लास ऑफ कर दूंगा 50 पर, इतना मुझे बना के दिखाइए, एक दो बना क्या दिखानी है आपको, देखना है जल्दी से बना के देखो इसकी क्या बन रही है आपकी, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे आप। बेटा माइक ऑफ करेंगे प्लीज, माइक ऑफ करेंगे अभी से भी आप प्लीज, भाई माइक ऑफ कर लो यार, टाइम वैसे ही कम बचा है। ये मोहम्मद सुहेब माइक ऑफ करेंगे आप, मोहम्मद सुहेब, इसको कहना मोहम्मद सुहेब को माइक ऑफ करेगा, ये राजा राणा भी बेटा माइक ऑफ करेंगे आप, राणा भाई, राजा राणा, राजा राणा आप माइक ऑफ करेंगे सभी, इसमें रह जाएंगे नहीं तुम। अब ये है यहाँ पर है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ बेटा अपनी कॉपी पर इसकी है, यहाँ पर बना के देखो, अभी मैं चेक करता हूँ जल्दी से, एक मैं इतना और दे रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। मैंने कहा इस स्ट्रक्चर से मत घबराना कि क्या है जी स्ट्रक्चर, और डर के बैठ जाओ सर, बन गया पहले वाला सर, शाबाश। इस नीचे वाला बना कर देखो बेटा, है ये वाला बना कर देखिए जल्दी से, मैं भी चेक करता हूँ, मेरे से चेक कर लेना फिर जो मैं बनाऊंगा, ठीक है इसको बना कर देखिए आप, थोड़ा मैं साफ साफ बना लूँ ताकि दिख जाए सभी बच्चों को, इस तरीके से, इस तरीके से एक और दे रहा हूँ बेटा मैं आपको, बनाकर देखना है वो बॉन्ड लाइन नोटेशन। सर पहला तो बन गया सर, वेरी गुड शाबाश बेटा, एक और बना रहा हूं मैं आपको इस तरीके से, एक इसका भी बनाना बेटा आपको, ठीक है इस तरीके से, ये कार्बन बनाया मैंने बीच में, तीन बना दिए बेटा मैंने, है आपको तीनों की बनाकर देखनी है, देखो मैं मैच करना बेटा मैं बना रहा हूँ, आप देख लेना क्या आपने सही बनाया या गलत बनाया है, जल्दी से तीनों बनाकर देख लो जल्दी से, जिसको बनना है वेरी गुड, दूसरा बन गया, दूसरा भी सर, ठीक है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस तीन ही बनाएंगे बेटा और नहीं बनाएंगे, और क्लास एंड कर देंगे सर, पहला बन जाएगा सर हमारा, ठीक है बेटा आगे भी बना के देख लो जल्दी से, मैं इतना इसको बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन है बेटा, है 1 2 3 4 5 और 1 6, फिर बेटा दो कार्बन ये है 1 और 1 2, दो कार्बन बेटा ये है आपने, ठीक है दो कार्बन है, हो गया सर तीसरा भी, ठीक है बेटा मैच करो, है एक डबल बॉन्ड है, मैंने डबल ओके सर बना दिए। अब आपको क्या काम करना है बेटा, चार बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के, 1 2 3 4, चार बन गए बेटा, इस कार्बन पे भी फोर्थ बनाने हैं, 1 2 3 4, इस पे भी फोर बनाने बेटा, इस पे तो ऑलरेडी आपके फोर्थ बने हुए हैं, इस पे भी आपको बेटा फोर बनाने हैं, 1 2 3 एक ही बनेगा आपका फोर्थ, इस पे भी फोर बनाने हैं, 1 2 3 एक यही फोर्थ, इस पे फोर बनाने, 1 2 3 4, इस पे फोर बनाने, 1 2 3 4, इस पे फोर बनाने, 1 2 3 4, और सब पर क्या लगा दे, हाँ बेटा बताइए सब पे क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन लगा देना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको सब के ऊपर हाइड्रोजन लगा देना है, ये बनाया बेटा सभी, सभी ने ये बनाया होगा, मैच करेंगे भाई आप जी, जिसने भी बनाया आपका, यस सर, ठीक है वेरी गुड बेटा, इसका भी बनाते हैं, इसका कैसे बनेगा, इसके अंदर जल्दी से कार्बन देख लेते हैं कितने हैं आपके, देखो इस तरीके से ये कार्बन ये रहा, एक ये रहा बेटा, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, एक ये रहा है कार्बन, एक ये रहा कार्बन, ठीक है, और एक कार्बन कहाँ है बेटा आपका, एक कार्बन अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक कार्बन ये है आपका, एक कार्बन ये रहा, और इस तरीके से है बेटा, ठीक है आपको हर, ठीक है बेटा हर एक कार्बन पर आपको दो बॉन्ड दिख, चार बॉन्ड दिखाने हैं, चार बॉन्ड दिखाएंगे बेटा हम यहाँ पर, चार बॉन्ड बन गए देखो यहाँ पर, 1 2 3 4, इसपे भी चार दिखाने हैं, 1 2 3 4, इसपे भी फोर दिखाने हैं, 1 2 3 4, इसपे भी फोर दिखाने हैं, फोर हो गए बेटा देखो इस कार्बन पर भी फोर्थ हो गए बॉन्ड, ध्यान से देखना 1 2 3 4, इसपे भी फोर्थ हो गए यहाँ पर, इसपे भी चार हो गए यहाँ पर, इस तरीके से दिखा, ये बच गया कार्बन, इसपे भी चार दिखाने बेटा हमें, है इसपे चार कैसे होंगे इस कार्बन, एक मिनट सुनेंगे बेटा एक मिनट प्लीज, इस कार्बन पे भी चार दिखाने बेटा है, कैसे दिखाएंगे आप इस कार्बन पर चार, इस तरीके से एक ये रहा और एक ये रहा है, चार हो गए यहाँ पर, देखो 1 2 एक रहा बेटा, 3 एक रहा, 4 क्या कह रहे बताएंगे बेटा आप, क्या कह रहे थे आप बताइए,
कुछ कह रहे हैं आप? अब सभी के ऊपर हाइड्रोजन लगा देंगे। बताइए बेटा क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे तो मुझे बताओ जल्दी से। सर ऐसे ही बनाया सर हमने। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ये ऐसे बना देते हैं बेटा, हैं? और यहाँ पर भी क्या लगाना है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या लगाना है आपका हाइड्रोजन, ये बन गए बेटा। वेरी गुड, शाबाश। इसको बना लेते हैं बेटा, है इस वाले को, देखते हैं क्या बनाते हैं। इसपे भी बेटा देखते हैं, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन तो उसने दिखाया ये, फिर डबल बॉन्ड है बेटा, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, इस तरीके से है। ठीक है, कितने कार्बन बनाए हमने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 देख लेते हैं बेटा, 7 यहाँ का, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही थे बेटा यहाँ पर, 7 ही मैंने दिखा दिए। और क्या काम करना है बेटा मुझे, हर एक कार्बन पर मुझे फोर्थ बॉन्ड बनाना है। देखो चार बने गए यहाँ पर, 1 2 3 4 इस पे तो चार बने हुए बेटा ऑलरेडी, 1 1 1 2 3 4 इस पे भी चार बने हुए, इस पे भी चार बने हुए ऑलरेडी। अब इस पे बना देते हैं बस, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। और सब पे क्या लगा देते हैं हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर, ये लगा दिया हमने हाइड्रोजन यहाँ पर। बेटा बताओ इसमें कोई डाउट है का? इस स्ट्रक्चर में किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। बस बेटा, नो सर। ओके, अब बेटा कल जब आप क्लास लेंगे ना, थोड़ा एक तो टाइम पे कोशिश करना आने की 9 बजे, ठीक है? और दूसरी चीज, जो भी कुछ मैंने पढ़ाया ना, थोड़ा बहुत इसको आप रिवाइज कर लेना थोड़ा, ठीक है? आप क्या काम करेंगे, सुनो बेटा एक चीज सुनो, मेरी सुन लो भैया एक मिनट। आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म तो सिखा दी, अब आप खुद क्या काम करेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सभी एक्सपेंडेड फॉर्म एक तरफ लिखेंगे और उनको, वालेकुम सलाम, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है इस तरीके से, ठीक है? हाँ बस इतना ही, और कल देखते हैं बेटा क्लास। ओके बेटा, बाय, वालेकुम सलाम। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी, एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड के लिए रुके रहना भाई सभी। भाग्य कोई सर, कोई गया तो नहीं बेटा इनमें से? नो सर, ठीक है बेटा, एक एक सेकंड रुक जाना, मैं दोबारा से लेता हूँ। ये बेटा फोटो गायब करो आप। हाँ ठीक है, अच्छा बेटा, ओके बाय, ओके ओके, वालेकुम सलाम।